हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ वेक्टर्स का एडिशन, कुछ वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, इनका डेरिवेशंस, इनमें जो रिजल्टेंट के फार्मूले थे इन एडिशन एंड इन सब्सट्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि वेक्टर एडिशन पर बेस्ड होंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन मोस्टली वेक्टर एडिशन पर ही बेस्ड होंगे। और यहाँ पर हम आपको मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट फाइंड आउट करना सिखाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले के डेरिवेशन में हम आपका वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट किए थे, रिजल्टेंट का फार्मूला डेरिवेट किए थे, जिसमें आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a और b आपके दो वेक्टर थे और ये दो वेक्टर डियर फ्रेंड्स किसी एंगल पर इंक्लाइंड थे। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का कुछ एंगल हम थीटा से पूछ किए थे। तो इसका जो है डेरिवेशन हम फाइंड आउट किए थे, इसका रिजल्ट फाइंड आउट किए थे, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था, है ना। अब डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू होंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे फार्मूले। हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आपको पता है, हम सबसे पहले वेक्टर्स का एडिशन में डियर फ्रेंड्स आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डिराइव किए थे। फिर इसके बाद वेक्टर्स के एडिशन के लिए ट्राइंगल लॉ, फिर इसके बाद डियर फ्रेंड्स पॉलीगन लॉ, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आइए हम देखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा फार्मूला जो कि हम पिछले लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर आपका दो वेक्टर था, ये वेक्टर a, यहाँ से एंगल थीटा सपोज किए थे, ये वेक्टर a था आपका, ये वेक्टर b, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर याद हो तो हम अपने डेरिवेशन में यहाँ पर वेक्टर a हम यहाँ पर सपोज किए थे, वेक्टर a आपका यहाँ पर सपोज किए थे और वेक्टर b हम यहाँ पर सपोज किए थे। यहाँ से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एंगल थीटा अल्फा माने थे, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा का भी वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे। यहाँ से रिजल्टेंट जो आर आता है आपका ये, ठीक है, वेक्टर आर, आर की वैल्यू डियर फ्रेंड्स हम फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ से देखें, इस आर की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे तो हमको ये फार्मूला मिला, ठीक है। बहुत ही इजी है डियर फ्रेंड्स, इसका डेरिवेशन भी आप लोग देख चुके हैं इसके पहले के लेक्चर में। और यहाँ से टैन अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट किए थे, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हमको मिला था, यहाँ से डियर फ्रेंड्स हमें टैन अल्फा इज इक्वल टू मिला था ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना। बहुत ही आसान था, यहाँ से हम रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से। अगर डियर स्टूडेंट्स इसी में हम वेक्टर ए यहाँ सपोज कर लें, वेक्टर बी यहाँ सपोज कर लें, यहाँ से आपका फार्मूला ये चेंज हो जाएगा, तब आपका टैन अल्फा की वैल्यू, अगर हम फिगर हमारा कुछ ऐसे हो जाए, अगर हम वेक्टर बी यहाँ सपोज कर लें, वेक्टर ए यहाँ सपोज कर लें और ये एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स लॉ पैरेललोग्राम आप अप्लाई करेंगे, ये रिजल्टेंट आर आएगा, आर का वैल्यू तो आपका सेम आएगा, लेकिन यहाँ से अल्फा, जिसको आप अल्फा बोलते हो, यहाँ से देखें तो टैन अल्फा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इन वेक्टर्स को अगर आप डिस्प्लेस कर दो, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, ठीक है, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, या ए को यहाँ कर दो, बी को यहाँ कर दो, है ना। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका टैन अल्फा की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे, इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन भी आपका फार्मूला सब कुछ सेम था, थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पर इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन हमारा फिगर कुछ ऐसे था, यहाँ पर हम वेक्टर ए सपोज किए थे, इस डायरेक्शन में हमारा निगेटिव हो जाएगा वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वेक्टर बी,
यहाँ से भी क्वेश्चन इसका रिजल्टेंट आर कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और ये आपका हो गया थीटा एंगल, है ना। अब यहाँ से भी क्वेश्चन इसका फार्मूला रिजल्टेंट का आर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर इसके प्लेस पे हो जाएगा आपका माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई आर इज इक्वल टू ए माइनस बी की, ठीक है, और ये वैल्यू थी आपकी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी की। तो ये यहाँ पर डिडक्शन आर इज इक्वल टू सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट के केस में ये फार्मूला आपका आया था, और ये फार्मूला आपका इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स इन दो इन फार्मूलों को हमने पिछले लेक्चर्स में डिराइव कर रखा है, इसको आप लेक्चर नंबर 3 में फिर से देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है, और अगर आपको कहीं डाउट है तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके फ्रंट में यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है कि आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस किसी भी कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट कवर करते हैं या जो भी न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं, तो इन पर बेस्ड आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके, पॉसिबल हो सके उतना न्यूमेरिकल्स आप ट्राई किया करें, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 हम सपोज करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 4 यूनिट एंड 3 यूनिट, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर 60 डिग्री, फाइंड द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 3 एंड 4 गिवन है, और एंगल इनके बीच का थीटा इज इक्वल टू 60 गिवन है हमको, और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। आइए इनका सलूशन देखते हैं, आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इनका सलूशन। सलूशन देखेंगे यहाँ से, सलूशन के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर ड्रा करते हैं। हमारे पास कोई दो वेक्टर हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू आपको 60 गिवन है ना। यहाँ से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ये आपका रिजल्टेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से डियर फ्रेंड्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मॉड ऑफ ए प्लस बी भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ से इसको मॉड ऑफ ए प्लस बी भी बोल सकते हो, आर ये है, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स ध्यान देंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर ए की वैल्यू आपका कितना है 4 है, ठीक है, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 4 प्लेस्ड कर देंगे और बी इज इक्वल टू 3, यहाँ से आपको मिलेगा 16 प्लस 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू कॉस 60, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका हो गया 12 12 2 24, और कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2, यहाँ से हो गया 12, और ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका 25 प्लस ये हो गया 37, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 37 हो गया, तो आर इज इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट 37, ये डियर स्टूडेंट्स हो गया आपका रिजल्टेंट की वैल्यू, है ना। अब यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आई होप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद है, ठीक है, यहाँ से ए माइनस बी का फार्मूला आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी
कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर इसका फिगर देखें, ये वेक्टर ए हो गया वेक्टर ए, ये आपका निगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर बी हो गया, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो गया, यहाँ पर थीटा आपका 60 गिवन ये, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस 60। इन सब की वैल्यू यहाँ पर भी प्लेस कर दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 60 प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू ए, ए आपका 4 है, इंटू बी, बी आपका 3 है, ठीक है। कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपका 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 25 माइनस 12, ठीक है, ये हो गया आपका 13। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हम a प्लस बी और a माइनस बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम लॉ पर जो हमारा फॉर्मूला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, इस पर बेस्ड हमने ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम इसके फार्मूलों को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स इन पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स देखेंगे। अब हम इसमें डियर स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फाइंड द एंगल बिटवीन, या क्वेश्चन कुछ ऐसे है फॉर व्हाट एंगल मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स मॉड ऑफ ए प्लस बी एंड मॉड ऑफ ए माइनस बी, यहाँ से मॉड ऑफ ए प्लस बी आपका क्या होता है, अभी हम बताए थे इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना। इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो टू ए बी कॉस थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। यहाँ से 4 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू इसको डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हो कॉस 90, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 90, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर फॉर व्हाट एंगल पूछा था, तो थीटा इज इक्वल टू 90 पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होगा, है ना। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं, आइए इसमें हम नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं। इन एग्जाम्पल्स को डियर स्टूडेंट्स वन टाइम सॉल्व किया करें, ठीक है, इनको प्रैक्टिस किया करें। आइए इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से भी वन टाइम्स। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, हाँ इसमें देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ए वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट, इक्वल टू 25 यूनिट, ठीक है।
and along the y axis and along the y axis. Dear students, इसमें आपका 60 यूनिट गिवन है, 60 यूनिट, ठीक है. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. इसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चंस रिपीट करेंगे. द वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट, मतलब जो अलोंग एक्स एक्सिस आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 25 यूनिट, ठीक है. एंड अलोंग द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के अलोंग आपका वेक्टर है उसका जो है 60 यूनिट मैग्नीट्यूड है. यहाँ से आपका क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड मीन्स डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो यहाँ से इसका हम फिगर ड्रा करते हैं. हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है. इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस को ए सपोज कर लेते हैं, या वेक्टर ए, ठीक है. इसको हम वेक्टर बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है. ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है. इसमें आपका हमने मेथड बता रखा है इसके पहले भी, ठीक है. तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन निकालने के लिए, इसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए सोल्यूशन इसका देखेंगे. फार्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, है ना. यहाँ से ए का आपका डियर स्टूडेंट्स वैल्यू गिवन है. यहाँ से ए के प्लेस पे आप ओ ए लिख सकते हो, अगर इसको ओरिजिन मान रहे हैं, इसको ओ ए पूरे वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है. ये तो हमारा ओरिजिनल बेसिक फार्मूला होता है, फ्रॉम फिगर यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ बी कॉस थीटा, है ना. अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ओ ए की वैल्यू आपका कितना गिवन है, 25 यूनिट. इसका मैग्नीट्यूड आपको 25 गिवन है और वाई एक्सिस का 60, ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड 60 यूनिट गिवन है. मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स वेक्टर्स की लेंथ मेजर कर लो, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है. यहाँ से ओ ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो गया प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 60 हो गया, तो 60 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ओ ए की वैल्यू आपकी 25 हो गई, मल्टीप्लाई बाई ओ बी की वैल्यू 60 हो गई. कॉस थीटा आपका 60 है, सॉरी थीटा आपका 90 है. यहाँ से ध्यान दें, इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल यहाँ पर 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0, तो ये आपका एक पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0, ये पूरा का टर्म आपका 0 हो गया. यहाँ से 25 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 60 का होल स्क्वायर हो गया. अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका 5 प्लस ये आपका 60 हो जाएगा. यहाँ से आपको 65 इसका आंसर मिलेगा, तो आर इज इक्वल टू आपका हो गया 65 यूनिट. इसका मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, 65, ठीक है. अभी डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको डायरेक्शन में पूछा है, ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, डायरेक्शन कर लिए फार्मूला हमारा स्टूडेंट्स होता है, जैसे ये हमारा वेक्टर था, ठीक है, ये ओरिजिन है ओ, ये ए था, ये वेक्टर बी था आपका, ये वेक्टर ए था आपका, यहाँ से थीटा हमारा 90 है, ठीक है. यहाँ से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होगा आर, ठीक है. यहाँ से टेन अल्फा, ये एंगल हम अल्फा सपोज कर लेते हैं, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ओआई होगा, ठीक है, और बेस, तो बेस आपका हो जाएगा
ओ एक्स, ठीक है, या अगर इसको हम ओ बी वेक्टर माने थे तो यहाँ पर हम ओ बी कर सकते हैं और यहाँ पर ओ ए कर सकते हैं, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ ए। तो ओ बी और ओ ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ओ ए की वैल्यू आपकी 25 है, ठीक है, ओ बी की वैल्यू 60 है और ओ ए की वैल्यू 25 है, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपको वैल्यू 25 गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से 25 हो गया, 60/25, ये हो गया आपका tan अल्फा इज इक्वल टू, है ना, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन। बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है, tan अल्फा इज इक्वल टू 60/25, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 60/25 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आइए नेक्स्ट एग्जांपल इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। ये एक टाइप का एग्जांपल आपका ये भी हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, बिल्कुल अलग है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर। यहां पर फिगर डियर स्टूडेंट्स आपका गिवन है कुछ ऐसे, ठीक है, इसमें आपके पास 3 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, इसको हम ओ ए नाम दे देते हैं, ए वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ओ ए, ए बी और बी सी आपके पास 3 वेक्टर है ना। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिजल्टेंट, क्वेश्चन आपका क्लियर है, ये आपका फिगर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, वन टाइम्स आप इसको खुद से, वन टाइम्स टू टाइम्स इसको आप मेनी टाइम्स ट्राई करके एक बार देखा करें, 2-3 बार मैक्सिमम। अब इसमें सोल्यूशन देखेंगे, यहाँ दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ओ ए, ए बी और ओ सॉरी बी सी, और यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने वेक्टर हैं इन सब के हम सबसे पहले तो एक्स कंपोनेंट निकाल लें, क्योंकि ये आपकी एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में ये आपके वेक्टर गिवन है, तो इन वेक्टर्स का डायरेक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट्स दोनों में हो सकता है, अलोंग एक्स भी हो सकता है, अलोंग वाई भी हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन ना तो अलोंग एक्स है ना ही अलोंग वाई, ठीक है, इसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स कंपोनेंट में दोनों डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीनों वेक्टर्स का इनको हम इनके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग एलॉन्ग एक्स और एलॉन्ग वाई इन दो कंपोनेंट्स में इन दोनों का हम रिजल्टेंट सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में इनका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे दोनों का सम करके, ठीक है, एलॉन्ग एक्स के और एलॉन्ग वाई के मैग्नीट्यूड्स को हम इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वही इनका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से सबसे पहले फॉर वेक्टर ओ ए, ठीक है, फॉर वेक्टर ओ ए एलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स देखें ओ ए, ठीक है, ओ ए का यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका एंगल भी गिवन है 37, एंगल भी गिवन है 37, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें ये फिगर बन रहा है ना, यहाँ से ये वेक्टर है ओ ए, तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स अगर थीटा है, ये ओ है, तो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है ओ ए, ओ ए या इसको अगर हम वेक्टर ए मान लेते हैं सिंपली, वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी है ना। अब यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू, वेक्टर बी की वैल्यू ए कॉस थीटा मिलेगा आपको, है ना डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो आपको मिलने वाला है बी कॉस थीटा, है ना, यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी ए कॉस थीटा, है ना, वेक्टर ए की वैल्यू क्या मिलेगी, वेक्टर ए की वैल्यू बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हम अभी आगे की स्टेप में इसको हम मेनी टाइम्स यूज करेंगे और इसको डिराइव भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे,
जहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो एक्सिस हैं, तो ओ ए वेक्टर आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस इसका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू ओ ए, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये एक्स एक्सिस हम ऐसे यही लिख देते हैं, ठीक है। तो अलोंग एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस 37, यहाँ पर एंगल 37, ठीक है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, लेकिन हम अलोंग वाई एक्सिस देखने लगेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अभी क्या करेंगे, अभी हम केवल अलोंग एक्स एक्सिस सभी वेक्टर्स के वैल्यू जो है हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इस वेक्टर का, वेक्टर ए बी का, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, इसका 5 है और इसका क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 और इसका मैग्नीट्यूड 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ओ ए की वैल्यू आपकी कितनी, 5 है ना। cos 37 डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यूज कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इसको आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। साइन 37 इसकी वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। साइन 53 इसकी वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स 4/5, ठीक है। और cos 37 डियर स्टूडेंट्स इसका अपोजिट होता है 4/5, ठीक है। और cos 53 आपका 3/5, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसका 37 इसके 53 के इक्वल है, ठीक है। इसका 53 इसके 37 के इक्वल है, ये आप इनकी वैल्यूज को याद रखेंगे, बहुत मेनी टाइम्स यूज होता रहेगा। यहाँ से OA की वैल्यू 5 हो गई, cos 37 यहाँ से 4/5 हो गया, ये हो गया आपका 4/5, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमको वैल्यू मिली 4, ठीक है। ये हो गया OA की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। अब AB की वैल्यू निकालें, वेक्टर AB अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, AB cos 37, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये तो कंपोनेंट में है नहीं, ये तो डायरेक्टली अलोंग एक्स एक्सिस ही है आपकी वैल्यू। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 3 यूनिट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इस वेक्टर को देखें, तो इसमें इसका एक्स के अलोंग कोई भी कंपोनेंट भी नहीं है और ये खुद भी नहीं है, ठीक है। ये खुद ये वेक्टर अलोंग एक्स के अलोंग नहीं है, ठीक है, एक्स के अलोंग नहीं, और इसका कोई कंपोनेंट भी नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल केवल और केवल वाई कंपोनेंट के अलोंग है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये हो गया आपका बीसी के लिए, देखेंगे वेक्टर बीसी के लिए अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0, है ना डियर फ्रेंड्स। बीसी के लिए देखें तो यहाँ पर एक्स के अलोंग इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, रिजल्टेंट अलोंग, अब यहाँ से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लो, रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पर सभी वेक्टर्स का सम कर लो, इसकी वैल्यू 4 आई है, इसकी वैल्यू 3 आई है, इसकी वैल्यू 0 आई है, ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस आपका 7 वैल्यू हो गई। अब अलोंग वाई एक्सिस हम निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट इन सभी वेक्टर्स के हम वाई कंपोनेंट निकालेंगे और इनका रिजल्टेंट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर ओ ए अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसका ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या आया था, 5 cos 37, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, 5 sin 37, तो ये आपका हो गया, इसकी वैल्यू 5 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये हो गया आपका 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ए बी का डियर स्टूडेंट्स देखें तो अलोंग वाई एक्सिस कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वेक्टर ए बी अलोंग वाई एक्सिस इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बी सी का देखें डियर स्टूडेंट्स, बी सी अलोंग वाई एक्सिस, तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है,
अब रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करेंगे। यहां से रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करें। 3 प्लस 0 प्लस 2 कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहां से मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड आउट करें अलोंग एक्स और अलोंग वाई, अलोंग एक्स और अलोंग वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, मतलब रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट, यहां से डियर स्टूडेंट्स देखेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, तो थीटा यहाँ पर 90 होगा, ओ एक्स और ओ आई, ओ एक्स और ओ आई में थीटा आपका 90 होगा, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी केवल और केवल ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ आई का स्क्वायर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ओ एक्स और ओ आई की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, ओ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, ओ एक्स स्क्वायर आपका कितना आएगा एलॉन्ग एक्स, ये 49 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ओ आई की वैल्यू आपको 5 आई, ये आपका हो गया 25, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, ये आपका कितना हो गया 4, ये हो गया 4 टू 6 और 6 7, ये हो गया आपका अंडर रूट 74, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करें, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करें, इसमें डायरेक्शन भी पूछा है, इसमें रिजल्टेंट भी पूछा है, लेकिन डायरेक्शन में इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके डायरेक्शन के लिए, यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, टैन अल्फा इज इक्वल टू, टैन अल्फा इज इक्वल टू एलॉन्ग ओ आई, ओ आई अपॉन ओ एक्स होगा, ठीक है, ओ आई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहां से कितनी आई थी आपकी 5, ठीक है, ये हो गया 5 अपॉन एक्स 7 हो गया, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया 5/7, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आपका लिख सकते हो टैन इनवर्स 5/7। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे इन क्वेश्चन से, और बहुत ही आसान है, आपके फार्मूले क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें, और जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत करते रहें, न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है, और हम अपकमिंग लेक्चर्स में, अभी इसमें हम कुछ और भी कुछ नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेंगे, और उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे उन न्यूमेरिकल्स में, और उन न्यूमेरिकल्स के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो मेथड सीखेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें और मेहनत करते रहें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम समय में आपका उतना ही कम टाइम टेकन होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है, तो मेहनत करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, थैंक यू वेरी मच।